राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संस्कृति ब्लॉग में आपका स्वागत है, जहां हम बातें करते हैं रोज़मर्रा से जुड़े विषयों के बारे में और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज पुरुषोत्तम मास की अंतिम एकादशी है, तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने लड्डू गोपाल का स्नान मैं पंचामृत से करा दूँ और वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल का स्नान पंचामृत से कराइए और अपने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। तो आप देख सकते हैं कि ये सब सामान मैंने थोड़ा कर लिया है। ये पंचामृत है, ये हमारा जल है, ये हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जाग चुके हैं, अब इनके स्नान का समय हो रहा है, तो मैंने स्नान कराती हूँ। तो फटाफट से मैं एक बर्तन ले लेती हूँ। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को अब स्नान के लिए बिल्कुल तैयार करा लिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए आप, ये एक बर्तन है जिसे जिसमें मैं इनका स्नान कराऊंगी। अब मैं इनको बिठा देती हूँ इसमें। तो अभी थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ठंड हो गई है, तो पहले मैं इनको पैरों से शुरू करूँगी ताकि इन्हें थोड़ा सा फील हो कि हाँ अब हम इन्हें स्नान करा रहे हैं। उसके बाद मैं इनके कंधों पे डाल के इनके सर से इनको नहलाऊंगी। तो देखिए ये मैंने अच्छे से ये मल रही हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो बस हो गया, अब जरा मैं जल ले लूँ और जल से अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करा दूँ। तो मैं ये भी थोड़ा इधर कर देती हूँ। देख सकते हैं कि अब बस ये बिल्कुल नहा चुके हैं। अब हमारे लड्डू गोपाल नहा चुके हैं, अब मैं फटाफट से इनके फटाफट से सुखा लेती हूँ इनको, ताकि कुछ पानी ना रह जाए वरना ठंड लगेगी इनको, है ना, गुस्सा हो गए तो। क्योंकि अभी ठंड हल्की हल्की शुरू हो गई है, हमें ही थोड़ा नहाने में थोड़ा आलस आता है, तो और थोड़ा सा बुरा भी लगता है सुबह सुबह उठते ही नहाने में, तो हो सकता है कि इन्हें भी ना लगता हो अच्छा, तो कोई बात नहीं। अब जैसे कि ये पूरी तरीके से सूख चुके हैं, अब मैं इनकी पोशाक इन्हें पहना देती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये पोशाक मैंने घर पे बनाई थी इनकी फ्रिल वाली ड्रेस। मुझे तो फ्रिल का काम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनकी ड्रेसेस भी फ्रिल के साथ बनाती हूँ, सुंदर सुंदर। आप इसे ठीक है ना, ठीक है। और ये इनकी कमरबंद जिससे इनकी ड्रेस भी रुकी रहेगी तरफ। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने ये सभी ज्वेलरी इनकी घर पे बनाई हुई है। सब तरीके की, हर तरीके की ज्वेलरी मैं तो बना लेती हूँ, फिर चाहे वो कैसी भी हो। तो देखिए, और ये इनका छोटा सा हाथ, ये बहुत थोड़ा सा छोटा बनाया ये मैंने, क्योंकि फिर ज्यादा बड़े हो जाते हैं। मैं इनको चंदन लगा देती हूँ और जो चंदन आपका इनके लगाने के बाद बच जाए उसे आप अपने माथे पर लगा लीजिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। तो ये देखिए चंदन अब इनका लग चुका है, अब मैं इसे थोड़ा सा सूखने का इंतज़ार करती हूँ हल्का सा, वरना इनकी ड्रेस गंदी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका चंदन सूख चुका है और ये मैं इनके कैप लगा देती हूँ। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो चुके हैं, अब मैं इनकी पूजा करके इन्हें दूध और माखन से भोग लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी वीडियो, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने
फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।